नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। अब बात करते हैं नोएडा की। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 12 के बी ब्लॉक से धर्मांतरण की घटना का प्रकाश में आई है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP का आरोप है कि बी ब्लॉक में स्थित एक कोठी में गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को फ्री में एजुकेशन के बदले उनका ईसाई धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदू संगठनों के हंगामे के बीच पुलिस अधिकारियों की टीम थी वहां पर पहुंच गई है। कथित तौर पर यहां 50 बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को लेकर VHP की ओर से नोएडा सेक्टर 24 थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना को लेकर नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रणविजय सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 12 में लिटिल फ्लॉक नाम का एक NGO चलाया जा रहा है। इसके संचालक केरल के रहने वाले पादरी फिलिप अब्राहम है, जो कि अपनी कोठी के बेसमेंट में इसका संचालन करते हैं। पादरी के खिलाफ लिखित शिकायत VHP के नेता उमानंद कौशिक ने की है। पुलिस आसपास के लोगों से बात करके तथ्यों की जांच कर रही है। बच्चों के अभिभावकों को से भी जानकारी ली जा रही है। दावा है कि बीते 29 सालों से नोएडा में रह रहे फिलिप अपना NGO चला रहे हैं। वो अपनी कोठी के बेसमेंट से मुफ्त शिक्षा के साथ फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन भी देने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, पादरी नोएडा के अलावा भंगेल और दिल्ली के दल्लूपुरा में भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। सेक्टर 12 में एक आरोप लगा है, क्या पूरा मामला है, क्या जांच हुई है? देखिए, आज एक संगठन के लोग आए थे और उनका कहना था कि सेक्टर 12 में एक मकान है, उसके बेसमेंट में कुछ शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस सूचना के तत्काल हमारी लोकल पुलिस की टीम और सर्कल अधिकारी मौके पर गए और वहाँ जाकर के जो बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह लेने आए थे वहाँ पे उन लोगों से पूछताछ की गई। जो उसको रन करा रहे थे उनसे पूछताछ की गई कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस सेंटर को चला रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो बच्चों के गार्जियंस थे उन लोगों से बातचीत की गई है, आसपास के लोगों से बातचीत की गई है। और इसमें हम लोग जो भी आरोप लगाए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उसके तथ्यों की जांच कर रहे हैं। जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी अगर कार्य, कोई भी एक्टिविटी नियम विरुद्ध पाया जाता है तो तत्काल उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। घटना को लेकर उमानंद कौशिक ने कहा कि जब किसी के धर्म पर कुठाराघात होता है तो तकलीफ होती है। हिंदू समुदाय के 5 से 12 साल के बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें लालच देकर उनका धर्मांतरण कराने का काम करा जा रहा है। फिलिप अब्राहम के घर में रामायण तो नहीं पढ़ाई जाएगी। CM योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले। जब हमने यहाँ लाए गए छोटे बच्चों से इसके बारे में पूछा तो वो बोले कि हम यहाँ ईसा मसीह की प्रार्थना सीखने आए हैं। बहरहाल मामले में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और इसकी छानबीन की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।